बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख्वाब में कुत्ते को देखना, ख्वाब में कुतिया को देखना, ख्वाब में कुत्ते का काटना या भोंकना, ख्वाब में कुत्ते को मारना, ख्वाब में कुत्ते का गोश्त खाना, ख्वाब में कुत्ते को मारना, ख्वाब में कुतिया का दूध पीना, ख्वाब में कुतिया का बच्चू समेत उसके घर में आना, ख्वाब में कुत्ते को अपने कमरे के अंदर देखना, ख्वाब में कुत्ते से लड़ाई करना और इसी के मुतालिक तमाम ताबीरें आज इस वीडियो में बयान होंगी। वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। हज़रत अल्लामा इब्ने सीरीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ख्वाब के अंदर कुत्ता देखना ये कमीने और मेहरबान दुश्मन की ताबीर है कि ऐसा दुश्मन जो जहरी तो यानी बड़ा मेहरबान लगता होगा लेकिन वो बातिनन बड़ा कमीना शातिर और चलाक दुश्मन है, तो उससे इसको चाहिए कि अपनी हिफाजत करे, अपने आप को बचाए। और इसी तरह स्याह रंग का काला कुत्ता देखना ये अरब में से दुश्मन होने की ताबीर है। सफ़ेद रंग का कुत्ता देखना ये अजमी लोगों में से दुश्मन होने की, मुखालिफ होने की ताबीर है। और अगर ख्वाब में कोई देखे, मर्द है या औरत, कि कुत्ते ने उसको काटा है, तो इस बात की ताबीर है कि ये इंसान दुश्मन से तकलीफ़ उठाएगा, दुश्मन से रंज और गम उठाएगा। अगर कोई ख्वाब में देखे कि कुत्ता यानी जो इसका कपड़ा है, कुत्ता उसको अपने मुंह में लेता है और अपना लुआब और थूक उस पर लगता है और वो कपड़ा आलूदा हो जाता है, इस बात की ताबीर है कि इसके कोई ऐसे दुश्मन हैं जिनसे ये गम की खबर, तकलीफ़ देह खबर सुनेगा, जिससे इसको यानी जहनी तौर पर, दिली तौर पर तकलीफ़ होगी। अगर कोई ख्वाब में देखे कि कुत्ते ने उसके कपड़े से पकड़ा और उसके कपड़े को फाड़ दिया है, तो इस बात की ताबीर है कि दुश्मन की तरफ से इसके माल के अंदर नुकसान होगा, जानी नुकसान नहीं होगा। और अगर कोई ख्वाब में देखे कि उसने कुत्ते का गोश्त खाया है, तो इस बात की ताबीर है कि इसका जो दुश्मन है वो इसके बारे में लालच करेगा, इसके माल पर, इसकी औलाद पर, इसके अहलो आयाल पर दुश्मन लालच करेगा और कुछ हासिल करने की कोशिश करेगा। और अगर देखे कि कुत्ते ने इस पर आवाज़ें दी हैं, कुत्ता भौंक रहा है, तो इस बात की ताबीर है कि कमीने दुश्मन पर ये इंसान भरोसा करेगा लेकिन वो कमीना दुश्मन भरोसे के काबिल नहीं होगा। और अगर कोई ख्वाब में देखे कि उसने कुतिया का दूध पिया है, तो इस बात की ताबीर है कि ये इंसान, मर्द है या औरत, दहशत खौफ के अंदर, मुसीबत के अंदर मुब्तला होंगे। और अगर देखे कि कुत्ता इसके पास आया, इसने कुत्ते को मारना चाहा और कुत्ते के पीछे ये भागा लेकिन कुत्ता इससे दूर भाग गया है, इसके काबू में नहीं आया, तो इस बात की ताबीर है कि ये अपने दुश्मन से मुहतात होगा, दुश्मन से अपने बचाव की हिफाजती तदाबीर करेगा। हज़रत इब्राहीम किरमानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ख्वाब के अंदर कुतिया का देखना कि कुतिया उसके घर में आई है, तो इस बात की ताबीर है कि ये इंसान कम हिम्मत, कमीनी, बदकार औरत से शादी करेगा। और अगर यही ख्वाब औरत देखे तो उसकी ताबीर मर्द की है कि वो कमीने, कम हिम्मत, बदकार मर्द से शादी करेगी। हज़रत इस्माईल अशअस रहमतुल्लाह फरमाते हैं, ख्वाब के अंदर शिकारी कुत्ता जो है वो ज़ाहरी दुश्मन की ताबीर है कि ऐसा दुश्मन है जो इसका ज़ाहिर है, इसको मालूम है और ज़ाहरी तौर पर इसके ऊपर वार भी करता रहता है। और अगर देखे कि शिकारी कुत्ते के ज़रिए ये इंसान शिकार करवा रहा है, शिकार कर रहा है, तो इस बात की ताबीर है कि इस इंसान को दुश्मन से दानिशमंदी का, जो दानिशमंदी का दावा करता है दुश्मन, उससे खैर और भलाई पहुँचेगी। और अगर देखे कि शिकारी कुत्ते का इसने गोश्त खाया है, तो इस बात की ताबीर है कि माल विरासत में से इसको बहुत ज़्यादा माल मिलेगा। हज़रत जाफ़िर सादिक रहमतुल्लाह फरमाते हैं, ख्वाब में कुत्ते को देखना, कुत्ते का काटना, कुत्ते का भौंकना और कुतिया का घर में आना, इसकी चार ताबीरें हो सकती हैं। नंबर एक, दुश्मन। नंबर दो, लालची बादशाह या लालची कोई मालदार इंसान। नंबर तीन, दानिशमंद। नंबर चार, चुगलखोर आदमी। ये तमाम ताबीरें हैं ख्वाब में कुत्ता देखने की। मज़ीद ताबीरें अगर आप जानना चाहते हों तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया जाता है, आप हज़रात हमारे साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।